is struggling because of the nature of its connectivity. And Maharashtra is one of the most important assets, frankly, that India has. It is the center of business. So it requires full support from the government of India. I fully understand that Maharashtra is fighting a very difficult battle, and I appreciate that fact. And so are many other states. And it is important that full support of the government of India goes to the people of Maharashtra and the government of Maharashtra. मगर एक स्पिरिट से मैं कहना चाहता हूं, देखिए डेमोक्रेसी में अगर महाराष्ट्र में सरकार है तो बीजेपी का काम उसको अपोज करने का है, कोई गलती नहीं है। अगर बीजेपी सवाल उठाना चाहती है, कंस्ट्रक्टिवली सवाल उठाना चाहती है, उनको उठाना चाहिए, उससे फायदा होता है, उससे हमारी सरकार उनकी बात सुनकर सीख सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को उखाड़कर बिना कोई कारण प्रेसिडेंस रूल लगाना, उसमें और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में बहुत फर्क है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।